तो हेलो गाई, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ मज़ेदार एक्शन एडवेंचर मूवीज़ और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज़ के बारे में, जो कि देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन करके ऑन पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है बर्न टू फ्लाई। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कैप्टन ली युंग की, जिनका काम होता है नए प्लेन्स और नए पायलट को ट्रेन करना। अब ऐसे में एक दिन कैप्टन ली युंग को एक मिशन मिलता है, जिसमें उन्हें कुछ पायलट को ट्रेन करना है एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए, और कैप्टन भी इस मिशन का हिस्सा है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर निकल जाते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये सारे लोग मिलकर क्या इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, और आखिर ये मिशन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने टॉम क्रूज की टॉप गन मूवी देखी है तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी कुछ उसी तरह की होने वाली है। अगर आपको वो मूवी अच्छी लगी थी तो मे बी आपको ये मूवी भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्टेलिंग्रेड। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जहाँ पे चारों तरफ तबाही मचती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्टेलिंग गार्ड नाम के एक शहर की। अब ये शहर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन इसी बीच अचानक से जर्मन सैनिक भी यहाँ पे अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में यहाँ के सोल्जर जर्मन का सामना कैसे करते हैं और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मे बी हो सकता है आपको मूवी की स्टोरी सुनने में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी, और अगर आपको एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो फिर तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है होम फ्रंट। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ब्रोकर नाम के एक DI एजेंट की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, जिसके बाद वो अपने घर में अपने बेटी के साथ अकेला रहता है ताकि वह अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब एक दिन ब्रोकर की बेटी का एक लड़के से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद यह झगड़ा देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बताया, जब उस लड़के का मामा, जो कि है ब्रोकर और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है इन दोनों को मारने के लिए। अब ऐसे में ब्रोकर अपने आप को और अपनी बेटी को उससे कैसे बचाता है, और आगे मूवी में ब्रोकर के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जेसन स्टेटन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है यूजर प्रिंसेस। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है यूज नाम के एक आदमी की, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए, और इसी बीच वो लोग यूज को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक कोमा में चला जाता है। अब ऐसे में होश में आने के बाद यूज डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन सबसे बदला लेगा जिन्होंने उसको मारने की कोशिश करी थी। तो ऐसे में यकू निकल जाता है उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या यकू उन लोगों को मार के अपना बदला पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भाई मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ब्रूटल एक्शन टाइप मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को ज़रूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इमोल्स। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक किंग की, जो कि सालों से कद कुछ टाइटन्स को आज़ाद करना चाहता है ताकि वो उनकी मदद से पूरी इंसानियत के ऊपर राज कर सके।
अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है थीसिस नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन एक ऐसा हथियार मिलता है जिससे कि वो उस किंग को टाइटन्स को आज़ाद करने से रोक सकता है, और उसे किसी भी हालत में उस किंग को रोकना होगा वरना वो पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देगा। वैसे में थीसिस उस हथियार की मदद से किंग को कैसे रोकता है और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। लेकिन मूवी थोड़ी सी पुरानी होने की वजह से इसकी हिंदी डबिंग इतनी कुछ खास नहीं होने वाली, तो अगर आप इसकी हिंदी डबिंग से कंफर्टेबल हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्लीन स्किन। ये 2012 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इवान नाम के एक आदमी की, जो कि पहले MI6 एजेंट हुआ करता था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो अब रिटायर हो चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब एक दिन इवान्स को वापस से MI6 में बुलाया जाता है ताकि वो एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम दे सके। अब पहले तो इवान इस मिशन को करने से इनकार कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो इस मिशन को करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आखिर ये मिशन क्या है और आखिर क्या इवान इस मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी स्पाई थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही तगड़े वाले एक्शन सीन देखने को मिल जाए, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है UFO स्वीडन। ये 2020s में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 2.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है डेनिस नाम की एक लड़की की, जो कि अपने फादर के साथ एक UFO को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। लेकिन इसी बीच उसके फादर अचानक से एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में बहुत ढूंढने के बाद भी डेनिस को अपने फादर नहीं मिलते, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि कहीं ना कहीं उसके फादर के गायब होने के पीछे उसी UFO का हाथ है, यानी कि एलियंस का हाथ है। जिसके बाद डेनिस निकल जाती है अपने फादर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने फादर को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, और आखिर उसके फादर अचानक से मिस्टीरियस तरीके से कहां गायब हो गए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना भी पड़ेगा। और इस मूवी के अंदर दिखाई गई मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो अगर आप मिस्ट्री से भरी हुई कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है गार्डियंस। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 4 लोगों की, जिनके ऊपर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके चलते उन चारों ही के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर आ जाती है। अब ऐसे में ये साइंटिस्ट चाहता है कि ये चारों मिलके उसके लिए काम करें, लेकिन ये चार उसके लिए काम करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद ये साइंटिस्ट अपने आप के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है और उसके अंदर भी बहुत ही खतरनाक सुपर पावर आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब धीरे धीरे करके ये साइंटिस्ट हमारी दुनिया को तबाह करना चाहता है ताकि वो हमारी दुनिया के ऊपर राज कर सके। अब ऐसे में वो सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके इस साइंटिस्ट को रोक के रहेंगे। अब ऐसे में क्या वो उस साइंटिस्ट को रोक पाते हैं या फिर नहीं, और क्या वो हमारी दुनिया को तबाह होने से बचा पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एंडर्स गेम। ये 2013 में रिलीज़ हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे इंसानों और एलियंस की लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से लगभग आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े शिप की, जहाँ पे कुछ बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में होने वाली लड़ाई में एलियंस को हरा सके। अब ऐसे में क्या ये बच्चे मिलके उन एलियंस को हरा पाते या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मुझे बताएं, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा या फिर मेरी तरह आप भी इस मूवी को एक बार फिर से देखना चाहते हो, तो अभी के टाइम पे ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज़ देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है स्वीट होम सीज़न 2। अब ये 2023 में रिलीज़ हुई
एक बहुत ही कमाल की एक्शन ड्रामा सीरीज है जिसे आमडीबी की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस सीरीज के सीजन 2 के पहले एपिसोड को मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाया था, तो जिन्होंने भी इसके पहले एपिसोड को देख लिया, अब इसके बाकी के एपिसोड भी बिल्कुल ही फ्री में हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो वीडियो को खत्म करने से पहले, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम होने वाला है 1K का, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।